अब हमको तो मान लीजिए हम आदमी है, हम कुछ जानते नहीं है, वो बोलता है जो इसका हार्डवेयर वाला का है, इसका फैक्ट्री है, सब करके बोलता है 32 लाख रुपया कर्जा तू दे दो। आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24, मेरा नाम सोनू कुमार गुप्ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुधई ब्लॉक के एक ऐसे गांव में जहां पे जनता ने जो है वोट किया कि जो है हमारा जो प्रतिनिधि होगा वो जो है चुनाव जीतने के बाद से जो है गांव का विकास होगा। लेकिन प्रधान जी को तो छोड़ दीजिए, प्रधान जी को यहाँ तक भी जो नहीं पता है कि गांव में जो है क्या क्या विकास कार्य हुए और कितना जो है ग्राम सभा में पैसा आया। जो प्रस्तावक बना वही जो है गांव का जो है प्रधान अपने आप को जो है वो बनकर जो है घूमता फिरता रहा और वो जो है गांव में जो है विकास कार्य जो है मजे से कराया और 2.5 साल कार्यकाल बीतने के बाद से जो है पूरा जो धन है वो वर्तमान ग्राम प्रधान पे जो है वो लाद दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जंगल लुआटहा है, दुधई विकास खंड का ये गांव है। यहाँ के जो प्रधान है प्रभावती देवी है, आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है, किस तरह क्या क्या मामला है, क्या अब ये मामला जो है ये थाने तक जो है पहुंच चुका है। कई बार जो है गांव में जो है पंचायती भी हुआ तब भी ये मामला जो है ये मामले का जो है समाधान नहीं हो पाया है। तो ये मामला फिलहाल अभी थाने पर गया है। तो इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए जो इस गांव के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं वो मेरे साथ हैं, आइए उनसे हम जो है पूरी बात जो है जान लेते हैं। इतना करते हुए इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए जंगल लुआटहा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनसे हम जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। क्या है मामला सर? हमारा मामला ये है कि 2.5 साल के दिन जबकि चुनाव में लड़ा और नियाजुद्दीन अंसारी हमको चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद उसने कहा ये कुछ नहीं जानते हैं, ये जो निपड़ आदमी है, इनका पत्नी भी निपड़ है, अनपढ़ है, ये भी कुछ नहीं जानती है। हम लोग सीधा बात है, हम लोग दोनों आदमी अनपढ़ गंवार हैं और वही आदमी डांगर भी लिया है और वही प्रधानी उसने किया, सब पैसा वैसा वही निकाला था, सारा काम वही करा है ना। अच्छा, डांगर इस समय किसके पास मौजूद है? डांगर उसी के पास था, मैं नया बनवा लिया, मारले धमकी दिया जो हम नहीं देंगे तुमको क्या करना है। तो फिर हम जा करके नया जाकर सचिव साहब पंचायत साहब से कहे। अच्छा, तो ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं और आपके पीछे जो एक RRC सेंटर बना हुआ है जी सर, ये कौन बनवाया? नियाजुद्दीन बनवाया। उस समय सेक्रेटरी कौन थे? तारिफ अली थे। तो इसमें तारिफ अली जी देखने नहीं आते थे? तारिफ अली जो 2 महीने में कभी एक बार आ जाते थे, नहीं तो वो भी नहीं आते थे, कोई देखने के लिए कोई नहीं आता था। हम लोग मान लीजिए हम मजदूरा के तौर पर हम यहाँ रहते थे, हम देखते थे ये दोनों आदमी पैसा निकालते थे, ये लोग अपना अथी करते तो थे। प्रधान जब आपकी पत्नी थी तो फिर वो कैसे मतलब पैसा निकाल लेते थे? सर 6 महीने में एक बार दस्तखत कराते थे, उसी दस्तखत पर नियाजुद्दीन खुद जा करके वहाँ दस्तखत करता था अपने दस्तखत से। हम तो ये भी कहते हैं सर जो चल के DM के यहाँ हमारी पत्नी के सिग्नेचर देखा जाए और वहाँ फाइल मंगा कर उसका भी सिग्नेचर देखा जाए जो क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, 2.5 साल में गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास के काम ये हुआ है, इंटरलॉकिंग हुआ है, ये काम हुआ है, नर्सिंग सेंटर बना है, अब नाली बना है, नाली भी उधूरा में है, खेल मैदान बना है, खेल मैदान का पैसा तारिक अली और वो मिल करके। तो ये जो भी गांव में जो कार्य हुए हैं तो उस पे जो है जब पैसा उठाना होता होगा तो उस समय आप लोग सिग्नेचर करते होंगे ना? सिग्नेचर द्वारे पर दरवाजे पर ले आकर फाइल कर। प्रधान प्रतिनिधि है आप, इसका पैसा कौन उठा लिए? वही लोग दोनों उठाए। कौन है दोनों? है ना, उसके फार्म में गया, अरमान के फार्म में गया और सामान दिया, इसका इसका पैसा। वो दो लोग कौन है जो पैसा उठा लिए? नियाजुद्दीन नियाजुद्दीन तारिफ अली। तारिफ कौन है? सेक्रेटरी है। अच्छा, ये सेक्रेटरी भी है और ये जो नियाज करके जो है ये दोनों लोग जो है इस गांव को जो है लूटने का जो है एक काम किए हैं। देख सकते हैं ये प्रधान प्रतिनिधि हैं, इनके यहाँ अभी भी जाएंगे तो जिस तरह से ये 2.5 साल पहले थे वो आज भी हैं, लेकिन जितना इस गांव में कार्य हुआ है उसके बारे में इनको जो है थोड़ा सा भी पता नहीं है कि कौन सा कार्य जो है कहाँ पे हुआ है और कितना पैसा उठा है। जबकि देख सकते हैं जो ये कार्य हुआ है ये देखने से बिल्कुल जो है 1 या 2 महीना हुआ होगा ये कार्य हुए हुए, लेकिन देखिए आप जो है ये तारिक अली है, ये पता ना कहाँ ये रहता है, किस दुनिया में रहता है कि इस गांव में जो है कभी आया भी नहीं। अगर आया होता तो देख सकते हैं ये जो है इस तरह से जो है ये प्लास्टर हुआ है, ये जो है फटा नहीं होता। देख सकते हैं ये जो अंदर की भी चीजें हैं उसे भी हम जो दिखाएंगे, कार जो है एकदम पूरी तरह से जो है वो फट कर जो है कभी भी जो है ध्वस्त हो सकता है। ये कहे कि सरकार की जो पैसा का जो है बंदरबाट जो है जमकर जो है किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं। अब ये मामला जो है ये कहां तक पहुंचा है, क्या क्या इनके, अच्छा कितना मतलब अब क्या हो रहा है इसमें? सर अब इसी झगड़े के मैदान में जब हम उनसे पूछे
भाई इतना इतना हिसाब तब तुम पे कर लिया भाई बताओ। फिर उसके बाद से 32 लाख रुपया हमारे ऊपर कर्ज ला पड़ गया। बताइए प्रधान प्रतिनिधि हैं और ये 2.5 साल तक जो है कलम भी नहीं चलाए, अंगूठा भी नहीं आए और इन पर जो है जो प्रस्तावक जो बना था जो नियाजुद्दीन करके वो इस गरीब व्यक्ति पे जो है 32 लाख रुपया का जो है कर्जा भी लाद दिया। अब क्या वो कह रहा है? सब कह रहा है कर्जा दो प्रधानी करो। अच्छा वो कहीं शिकायत भी किया क्या? अभी देख लीजिए सर आ गया मोबाइल पर सबका मोबाइल दिखाओ जी चलिए। अच्छा थाने उन पे भी मतलब कुछ किया क्या? नहीं जाकर डीएम किया दिया है। अच्छा हाँ 2.5 साल जो है स्वयं जो है प्रधानी भी किया और उसके बाद इनको कहे कि अब हम प्रधानी करेंगे तो ये उल्टे डीएम से लगाए जो है थाने तक जो है इनके खिलाफ शिकायत किया और ऊपर से जो है 2 लाख रुपया का जो है इन पे एक इल्जाम लगा दिया है। अब सोच सकते हैं जिले में बहुत से ऐसे गांव हैं कि प्रधान जी तो चुनाव जीत गए लेकिन उनको जो है प्रधानी से कोई मतलब नहीं है जबकि उनका प्रधानी गांव का कोई एक अन्य व्यक्ति जो है कर रहा है वो सिर्फ अंगूठा लगाने या सिग्नेचर करने जाते होंगे वो भी नहीं जाते होंगे। देख सकते हैं जैसा कि ये बता रहे हैं कि इस गांव के जो सेक्रेटरी ये सेक्रेटरी हैं तारिक अली हैं और इस जो प्रस्तावक थे ये नियान अंसारी ये दोनों लोग जो है मिलकर जो 2.5 सालों में जो है जिस तरह से इस गांव को जो है लूटने का प्रयास है जो उच्च अधिकारी हैं अगर वो चाहे तो इसमें जो है अगर ध्यान जो है काफी जो है इसमें देखने को मिलेगा जो जगह भी जगह जगह जो है ये जो पूरी तरह से ये जो है क्षतिग्रस्त हो गया। तो अब आपके तरफ क्या? सर अभी दूसरा भी मामला चल रहा है पंचायत का प्रधानों के सामने वो कह रहा है भाई 32 लाख दें आपने प्रधानी करे हम कह भाई गरीब आदमी हम कहाँ से देंगे। तो जब आप जब काम कोई नहीं देखे तो फिर 32 लाख रुपए कैसे आप पिला दिए? अब हमको तो मान लीजिए हम आदमी है हम कुछ जानते नहीं वो बोलता है जो इसका हार्डवेयर वाला का है इसका दूरी है सब करके बोलता है 32 लाख रुपया कर्जा तू दे दो आप प्रधानी करो ना। तो हम अपना कार्यकाल का ठीक है हम जा रहे हैं डीएम की दरखास्त देने के लिए तो घुड़की धमकी दे रहा है दरखास्त कर लीजिए जाकर दिया है। आप कौन से समाज से किस समाज से? हम तो यही चाहते हैं सलाह इस काम से ये दूर रहे हम दूर रहे। किस समाज से हैं? हम जात के अनुसूचित जात अनार जात हैं। अच्छा तो वो धमकाते हम कहते हैं क्या? हाँ धमकाते हैं मारने पीटने कहते हैं है ना कहते हैं अगर तुम इधर उधर जाओगे तो तुमको हम करेंगे मारेंगे पीटेंगे। तो इसको लेकर जो है आप मतलब कहीं शिकायत है? नहीं अभी नहीं हाजी हम में आया है मोबाइल भी देख लीजिए जहाँ मोबाइल पर भेजा। तो अब आप क्या करने वाले हैं? हम कल जाएंगे डीएम के आपने सदस्यों के लेकर के 10 सदस्यों के लेकर जाएंगे डीएम के। अच्छा जो वो क्या कह रहे हैं उसको सदस्य हमारे उनको भी नहीं पूछता है वो। अच्छा हाँ हम सदस्य के जाएंगे। तो देख सकते हैं ये लुटा के प्रधान प्रतिनिधि भी पीड़ा है पीड़ा इसलिए है कि जनता ने जो है इनके चेहरे पे जो है वोट दिया और चुनाव भी जीते और जनता चुनाव भी जिताया कि जो है गांव में विकास हुआ लेकिन 2.5 साल में जो है इनको कुछ नहीं पता है कि गांव में कहां कहां जो है क्या हुआ है। लेकिन उसके बाद से जब ये प्रधानी के जो है 2.5 साल बीतने के बाद ये खोजबीन किए प्रधान का जो है नगवार गुजरा और उसके बाद से जो है इन पर अब जो है एप्लीकेशन भी दिया और उल्टे से जो है इनपे 32 लाख रुपया का जो है एक बोझ भी लाद दिया। अब इनके द्वारा जो है उच्च अधिकारियों से जो है इसको लेकर जो है अब शिकायत किया जाएगा। जाहिर सी बात है अब जो जिले के अधिकारी हैं उनको भी चाहिए कि जो एक बार इस गांव को जो है आकर देखे। देखते रहिए आप न्यूज़ पॉइंट 24 में सुमार गुप्ता।